आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से मैं अभिवादन करता हूं, जय यीशु की कहता हूं। प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से मैं इस वक्त आप सभी से प्रभु के वचन को लेकर बातचीत करना चाह रहा हूं। आज के दिन में हम प्रभु के वचन पर बातचीत करेंगे। एक खास विषय है, विषय यह है अनसुनी आवाज़। आप इस शब्द को बाइबल में ढूंढने जाएंगे मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बात पूरी बाइबल से ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये अनसुनी आवाज़ ये शीर्षक मैंने क्यों लिया। एक बार मैं गाड़ी में यात्रा कर रहा था, मैं खुद ही ड्राइविंग कर रहा था और मेरे साथ एक सिस्टर बैठी हुई थी और पीछे और कुछ लोग भी थे। तो जैसे ही गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ने लगा, वो गाड़ी में से एक आवाज़ आने लगी, लगातार एक आवाज़ आने लगी। सिस्टर ने मुझसे पूछा ये आवाज़ किस बात की आ रही है। तो मैंने कहा ये आवाज़ इसलिए आ रही है मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है इसलिए ये आवाज़ आ रही है, और आवाज़ इसलिए आ रही है ताकि मैं सीट बेल्ट लगाऊं, क्योंकि ये ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। और मैंने काफ़ी देर तक वो आवाज़ आने दिया, सीट बेल्ट नहीं लगाया और उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गया। तब जाके सिस्टर ने मुझसे कहा आपने तो सीट बेल्ट लगाया नहीं, आप कह रहे थे कि सीट बेल्ट लगाने के लिए ये आवाज़ आ रही है और आवाज़ बंद भी हुई, सीट बेल्ट भी नहीं लगाया। तो मैंने कहा तो कुछ देर तक ये बताता है देखो बेटे सीट बेल्ट लगाओ 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 और मैं उस आवाज़ को अनसुना कर देता हूँ, उसके अनुसार काम नहीं करता हूँ, वो आवाज़ देना बंद कर देता है। और इस दृष्टांत के बाद मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन पर विचार किया। मैंने सोचा शायद हमारे अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम ईश्वर ने रखा है, वो हमें निरंतर आवाज़ देते रहता है जिसको हम अंतकरण बोलते हैं। जब हम कुछ गलत विचार मन में लाते हैं या कुछ गलत काम करने वाले होते हैं, गलत काम करने जाते हैं, ऐसा कोई विचार रखते हैं, कोई नेगेटिविटी नकारात्मक बातें ऐसा कोई बात मन में रखते हैं या काम करने जाते हैं, ऐसे कुछ अंदर से आवाज़ आती है बेटा ये ठीक नहीं है, बेटा ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारा मतलब का नहीं है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आवाज़ आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। कुछ समय के बाद वो आवाज़ आना बंद होगा क्योंकि मैं उस आवाज़ को अनसुना करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ इस बात से आप सभी सहमत होंगे, हम सबों के जीवन में ईश्वर ने एक ऐसी आवाज़ रखी है जो अंतकरण से हमारे अंदर से आवाज़ आती है, और वो आवाज़ अगर हम अनसुना कर देंगे वो बाद में वो आवाज़ नहीं आएगी। और इस प्रकार से जब आवाज़ नहीं आएगी तब हम लोग क्या सोचते हैं, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। उदाहरण के लिए मान लो बच्चा सबसे पहले मान लो एक बात के लिए झूठ बोला बच्चे ने, छोटा बच्चा, उसने घर में मम्मी पापा नहीं थे, चीनी चोरी करके खा ली, चीनी चोरी करके खा ली और चीनी के दाने तो गिर ही जाते हैं वहाँ पर। मम्मी आई, मम्मी ने पूछा बच्चे से किसने चीनी चोरी कर दी, बच्चे ने कहा हमको पता ही नहीं, किसने खाया किसने निकाला पता ही नहीं। तो एक बार दो बार ऐसे हुआ, 10 बार ऐसे हुआ, तो हर बार जब चोरी करने बच्चा जाता था मम्मी डांटेगी और पूछताछ होगी, बच्चे को पता था, और मम्मी को पता है आखिर बच्चे ही करते हैं, लेकिन मम्मी ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, कोई बात नहीं हमारे बच्चे हैं, इस प्रकार से मम्मी जोर देती हैं। लेकिन वही आदत बच्चे के अंदर जब बढ़ती है, बाद में कुछ बड़ा होने के बाद बच्चा सोचता है अब कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, पहले तो मुझे डर लगता था कोई पूछेगा कोई देखेगा कोई पकड़ेगा कोई मारेगा डांटेगा, वो बात ये बात अब ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि वो आवाज़ अंदर से आने वाली आवाज़ बच्चा अनसुना करता है, अब बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद आसानी से झूठ बोलता है, कितना झूठ बोला उसका पता तक नहीं है, उसकी शैली हो गई, बातचीत करने की शैली हो गई और उसमें झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, कहीं लोगों को पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे आदतें हैं और हम सोचते हैं कि सब ठीक हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ठीक कुछ नहीं हो रहा, अंदर की आवाज़ आती रही आती रही आती रही, कुछ समय आती रही और हमने सुना नहीं, उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कतरा टल गया, कतरा नहीं टला भाइयों बहनों, जिस प्रकार से सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कभी भी कतरा हो सकता है उसी प्रकार से कतरा तो बना हुआ है। हम लोग सोचते हैं क्या
कतरा तो टल गया, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। जैसे मैंने उदाहरण दिया चोरी का, वैसे बहुत सारे ऐसी बात हैं, किसी की नाम खराब कर दिया, किसी के साथ और कुछ कर दिया, वो बात है, ये बात है, शुरुआत में तो तकलीफ़ होती है, डर होता है, अरे पता चलेगा तो वो होगा ये होगा, और उसके बाद कोई डर नहीं, बाद में अंदर से आवाज़ आना बंद हो गया। लेकिन ये क्या होता है, ये सब हम सबों को विनाश की ओर ले चलता है। ये लापरवाही जो है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनना, ये लापरवाही हमें विनाश की ओर ले चलता है। जैसे हम लोग 10 आज्ञाओं को जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने तालीम में सीखा है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पूरी बात हम जानते हैं। 7 संस्कार हैं जिसके बारे में हमें तालीम में सिखाया गया है, और ये सारे बातें धर्म शिक्षा में मालूम हैं। लेकिन हम उसके विपरीत जब कार्य करते हैं, शुरुआत में क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु का वचन ऐसे बताता है, मम्मी ने कहा, तालीम में कहा, टीचर ने कहा, उसने कहा, ये गलत है, ये गलत है, अंदर से आवाज़ आएगी शुरू में, बाद में हम लोग ऐसे गलती करते जाएंगे, कोई आवाज़ नहीं आएगी। और यही बात आगे हम बढ़ाएँ तो मान लो आजकल बहुत कम लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, मुख्य रूप से युवक युवतियों में देखें पाप स्वीकार करने वाले लाइन बहुत कम हैं। वो भी तब आते हैं, युवक युवतियाँ बहुत ही कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया, उनको अलग से मिश्र बलिदान रखा और आज उनके लिए पाप स्वीकार का संस्कार का आयोजन है, तब वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बहुत संत हैं, पाप ही नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ अनसुना कर दी, अंदर की आवाज़ जो है अनसुना कर दी, उनको ये बात का एहसास ही नहीं होता, फील ही नहीं होता है, मैंने बहुत पाप किए हैं और मुझे इन पापों के लिए पश्चाताप करना है, इस बात का एहसास उन्हें नहीं होता, क्योंकि अपने अंतकरण को उन्होंने बंद कर रखा है। एक प्रकार से अंग्रेजी में बोलते हैं डेड कॉन्शियस, यानी कि अंतकरण को मार रखा है। जब अंतकरण को मार दिया जाता है तो अंतकरण बोलना बंद कर देता है, और ये बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है, चाहे मुझे हो, चाहे आपको हो, हम में से किसी के लिए भी हो, ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए भाइयों बहनों, मैंने सोचा कि इस बात को मैं आपके सम्मुख रखूं, इस टीवी के माध्यम से अनसुनी आवाज़, इसके बारे में मैंने लेख भी लिखा था इसी शीर्षक पर, अनसुनी आवाज़, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की, लोगों ने कहा बहुत अच्छा लिखा है, और उसमें बहुत सारे उदाहरण मैंने वहाँ पर उनके सामने रखे थे उस लेख के द्वारा। इस बार भी मैं आपके सामने कहीं बातों को रखना चाहता हूँ, अनसुनी आवाज़, जिस प्रकार से उस गाड़ी का उदाहरण मैंने दिया और ये कन्फेशन करने की बात बताई, 10 आज्ञाओं की बात बताई, ये इस प्रकार से अंतकरण हमको बताते जाता हर दिन, लेकिन हम अनसुना करते हैं। जब हम छोटे थे हमें सिखाया गया था सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, शाम को प्रार्थना करनी है, और मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था सुबह उठ के रोज़ प्रार्थना करनी, शाम को रोज़ प्रार्थना करनी, हर शनिवार को पाप स्वीकार में जाना और हर इतवार को बिना चूके मिस्सा में जाना, वहाँ पर चर्च में काफ़ी समय बिताना, ये सब एक सिस्टम में था। कुछ समय के बाद मैंने उस बात को एहसास किया कि सुबह की प्रार्थना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं बोली, तो उसके बाद मैं 5वें दिन क्या करता था, प्रभु से बोलता था, प्रभु मैं पिछले 2-3 दिन प्रार्थना नहीं की, तो वो प्रार्थना मैं अभी करूँगा। तो मैं क्या करता, 5वें दिन पहले 3 दिन की प्रार्थना करता था, उसके बाद 4थे दिन की, उसके बाद 5वें दिन की, ऐसे मैं प्रार्थना करता था बड़ी ईमानदारी से। उसके बाद ऐसा भी समय आया, ऐसे जब आदत सी हो गई, बीच में 2-3 दिन प्रार्थना नहीं करना, उसके बाद करना, ऐसे बीच बीच में छोड़ना, तो बाद में तकलीफ नहीं होती थी। तो मैंने फिर एहसास कर लिया अपने आप को, मैं सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं लगातार इस बात को आदत में डाल रहा हूँ। जो आदतें हमारे अंदर डालते हैं वो हमारे अंदर पनपती हैं, अगर अच्छी आदतें डालेंगे अच्छी आदतें पनपती जाएंगी। अगर हम आज के दिन में हम बुरा करते हैं, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे संगति, बुरे आदतें, वो बातें, ये बातें, और उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने जीवन में डालते जाएंगे, वो हमारा सिस्टम में रह जाती है, हमारे जीवन में रह जाती हैं, और हम सोचते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, नहीं, जो हमें पहचानने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मैंने मेरे अंतकरण की आवाज़ को नहीं सुना, नहीं माना, और वो बात आज के दिन में मेरे अंदर नकारात्मक आदत बन के रह गई है, उनको एक एक करके निकालना ज़रूरी है। बहुत आसान नहीं है इन सभी बातों को निकालना। जैसे मान लो, जैसे हम बड़े होते हैं, यहाँ पर गर्दन के अगल बगल में मस्से होते हैं, मस्से, ठीक है, वो मस्से की कहानी मैं बताता हूँ। वो जब छोटे होते हैं आप जैसे खींच के निकाल दिया, निकल सकते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद
बहुत दर्द करता है, निकाल नहीं पाते हैं। वैसे हमारे अंदर जो बुरी आदतें जाती हैं, हमारे सिस्टम में जाती हैं, निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत दर्द होगा। उसके लिए उस अंतकरण को हमें बंद कर रखा, उसको खोलना होगा। और उसको कैसे खोलें? उसको खोलने के लिए हमें प्रभु का वचन हमें पढ़ना होगा। प्रभु के वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु का वचन हमारे अंदर प्रवेश करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, इब्रानियों के नाम के पत्र में हम पढ़ते हैं, वह जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, वह हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है, हमारे अंदर के विचारों को प्रकट करता है। यानी कि वह ईश्वर का वचन, जीवंत वचन प्रवेश करेगा, हमारा अंतकरण जाग उठेगा, अंतकरण खुलेगा, फिर अंतकरण हमसे बात करना शुरू करेगा। तुम ये बेटे ये कर रहे हो सही नहीं है, ये तुम कर रहे हो सही नहीं है, ये तुमने किया गलत है, हमें दिखाएगा। और उसके बाद हम निकाल पाएंगे। यानी कि हमें पहचानने की जरूरत, हमारे अंदर क्या क्या बुरी आदतें अंदर आई हैं और घर कर गई हैं। इसलिए अनसुना ना करें, हमारी आंतरिक आवाज़, हमारी अंतकरण की आवाज़ अनसुना ना करें। अनसुना करना बहुत खतरनाक है। इसलिए उस अंतकरण को अगर हमने अनसुना करते करते उसको बंद कर रखा है, उसको खोलें। उसको खोलने के लिए प्रभु का वचन हर दिन पढ़ें, सुबह शाम प्रभु का वचन पढ़ें, जब वक्त मिलता प्रभु का वचन पढ़ें और सुनें। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे युवक युवतियाँ कान में इधर से एक तार घुसा दी, इधर से एक तार घुसा दी, और दिन भर उसी में मस्त रहते हैं। पता नहीं क्या सुनते हैं, क्या होता है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैंने एक बार या ट्रैवलिंग कर रहे थे, किसी ने कोई गाना सुन रहा था, ये एक तार मेरे कान में घुसा, बट बड़ा दर्द हुआ मुझे, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये कान जो दिया है काम का नहीं, ये काम थोड़ा सा काम का है और मैं सुन नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है दूसरे, जब दोनों कानों में जाके कान बंद करके जब क्या सुनते हैं। और मुझे पता, अगर उन्होंने अच्छी बात सुनी होगी, प्रभु का गाना सुना होगा, भजन सुना होगा, मैं समझता हूँ वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगा, प्रभाव डालेगा। अगर किसी प्रकार की नकारात्मक बातें या गाने वो ये दुनिया भर की बात सुनेंगे, उसका प्रभाव उनके अंदर रहेगा और उनको इस बात का एहसास नहीं होगा। इसके बदले मैं उन सभी लोगों के लिए यही एक सुझाव दूंगा, मानना नहीं मानना आपकी बात है, वो एक सुझाव दूंगा, आप प्रभु के वचन को सुनिए, लगातार प्रभु के गाने सुनिए, धीरे 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 आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका अंतकरण खुल जाएगा, आपको दिखने लगेगा सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आप फैसला कर पाओगे क्या मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है। जो सही नहीं है बाहर कर पाओगे, अगर जिंदगी में आ चुका है उसको एक एक करके दिखा निकाल पाओगे। ये ज़रूरी है भाइयों बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है। जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे, ये सारे लोड लेके ना जाएं, सब इधर ही छोड़ें, इधर ही छोड़ें, हम अपनी आत्मा लेकर जाएं, शुद्ध आत्मा, पवित्र दिल, पवित्र मन लेकर जाएं। ये दुनिया की सारी गंदगी लेके क्यों जाएं, वहाँ पर लेके जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपने अंतकरण की जांच करें हर दिन, देखें मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे ये सारे कार्यकलाप दिन भर के सही हैं, ठीक हैं। विचार करें हर दिन, विचार करें, हम अपने लिए टाइम निकालें। हमारे पास टाइम नहीं आज के दिन में, हम सुबह से शाम तक व्यस्त हैं, करते कुछ नहीं तभी व्यस्त हैं, सुबह से शाम तक टाइम निकालें अपने लिए। जिसको आप मनन चिंतन करें, मेडिटेशन कहें, योगा कहें, कुछ भी कहें, आप शांत बैठें एक घंटा और अपने बारे में विचार करने में क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, ठीक है नहीं है, विचार करें। और इस प्रकार से मनन चिंतन जो करने से, विचार करने से, प्रभु के वचन के द्वारा मेडिटेशन करने से हमारे अंदर क्या है क्या नहीं सब हमें पता चलेगा। अगर हमें पता चलेगा हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयाँ हैं तो हमें डर लगेगा, निकालो इसको, इसको निकालो, इसको बाहर निकालो, तो हम हल्के हो जाएंगे ना। तो बहुत भारी शरीर, कहीं पर चार लोगों के साथ बैठकर मुस्कुरा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना हैवीनेस है हमारे अंदर, क्योंकि इतनी सारी नकारात्मक बातें हमारे अंदर आ चुकी हैं। कहीं युवक युवतियों को मैं देखता हूँ, वो तभी मुस्कुराते हैं जब दुनिया की बातें होती है, कोई हीरो की बात होती है, हीरोइन की बात होती है। क्या प्रभु यीशु मसीह किसी हीरो से कम था? हीरो की बात छोड़िए, तो वो हीरोओं का हीरो है, राजाओं का राजा है, और उसकी बात से आपको कोई दिलचस्पी नहीं। और छोटी छोटी उन पता आसपास के हल्के पुलके कोई लोग हैं, उनकी चार बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। यानी कि आपके आपका लगाव उन लोगों पर, इसके मतलब अपने अंतकरण को बंद कर रखा है। आप अपने अंतकरण को खोलिए, प्रभु के सानिध्य में जाइए, कितनी खुशी है वहाँ पर, कितना आनंद है, कितना अमन चैन है, वो बातों को वर्णन नहीं कर सकते हैं हम। क्यों, जब हमारे पास ऐसा खजाना है,
हमारा दिल इधर उधर क्यों भटकता है, हमारा दिल इधर उधर क्यों भटकता है। वो ब्लेस्ड सैक्रमेंट हमारे पास है, वो खजाना है, वहाँ पर जाएं, समय बिताएं, हम अपने दिल खोलें, वहाँ पर प्रभु हमसे बातें करेगा और कितना अद्भुत रहेगा वो, कितना अद्भुत रहेगा। मुझसे एक बेटी बता रही थी, फादर मैं हर साल क्लास में फर्स्ट आती हूँ। अब वो कॉलेज जा रही, कॉलेज में भी वो फर्स्ट है अपने क्लास में। तो मैंने बताया बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद दो। वो कहने लगी मैं रोज़ उठ के यही करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, सारी मेरी प्रार्थना करने के बाद ही मैं अपना नाश्ता करने जाती हूँ, बाकी का काम करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि आज भी ऐसे युवक युवतियाँ भी हैं जो प्रभु के डर से जीते हैं। श्रद्धापूर्वक डर प्रभु के प्रति इंसान को होना चाहिए, और जब होगा तभी जाके हमारा अंतकरण इंटैक्ट होगा, नहीं तो अंतकरण बंद होगा या सो रहा होगा या हम उसको खत्म करके बैठे होंगे। इसलिए ज़रूरी है जब इस प्रकार से हम दुआ प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने अपने दिल खोलेंगे, प्रभु भी इतनी आशीष हमें देगा, इतनी आशीष देगा, जहाँ जाओगे वहाँ आप सफल हो जाओगे। ये ज़रूरी है। इसलिए भाइयों बहनों हम सभी इन बातों पर विचार करें, क्या मेरा अंतकरण सोया है, या मैंने उसको सुलाया है, या फिर मैंने उसको बंद किया है, क्या मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ। अगर नहीं सुनता हूँ, ये खतरनाक समय है, ये जागने का समय है, ये सतर्क होने का समय है। भाइयों बहनों हम जाएं उस प्रभु के सानिध्य में, जाएं उस परम पावन संस्कार के सामने, जाएं वचन को खोलें, वचन को पढ़ें, प्रभु से बातें करें, ताकि हमारा दिल खुल जाए प्रभु के लिए। अगर दिल खुल जाए, दिल के अंदर क्या हम देख पाएंगे, जो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है, उसको बाहर कर पाएंगे। मन में क्या है, किस प्रकार के विचारधाराएं हैं, हम देखें सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, सही नहीं है, बाहर करें। आवाज़ अनसुना ना करें, हमारी अंतकरण की आवाज़ अनसुना करोगे तो खतरनाक हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए आप ये ना सोचें सब ठीक चल रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रभु के सामने जाके अपनी जांच कराएं। जैसे गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए मैकेनिक के पास ले जाता, आप ये नहीं कह सकते मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराऊंगा नहीं, सर्विसिंग नहीं कराओगे गाड़ी पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए समय समय पर आपको गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, और वहाँ पर उस गाड़ी को क्या करते हैं, आप मैकेनिक के हवाले कर देते हो। उसके बाद मैकेनिक को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ खोलता है, सारे पुर्जे ढीले पड़े हैं, टाइट करता है, तेल है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सब चेक करता है और टनाटन कर देता है। उसी प्रकार से हमें हर दिन उस प्रभु के पास जाने की जरूरत है, जो हमारा निर्माता है, वो हमारा मैकेनिक है, उसके पास जाके हम बैठेंगे, समय बिताएंगे, एक घंटा बिताएंगे, 24 घंटे में से हमारा पूरा जीवन का सारा सिस्टम सही होगा, अन्यथा कोई सिस्टम सही नहीं चले, हम सोचते हैं कि सही हो रहा, सही नहीं हो रहा। इसलिए हमें उस प्रभु के पास, उस खजाने के पास, उस हमारे मालिक के पास, हमारे निर्माता के पास एक वाहन के रूप में अपने आप को उसके हवाले करना होगा। वो देखे हमारे अंदर क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, वो हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा, अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा के बल से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें सिखाएगा कैसे हम सभी बुराइयों से बचे रह सकते हैं। तब जाके हमारे अंतकरण इंटैक्ट रहेगी, और हमारा अंतकरण इंटैक्ट रहेगा, हमारा जीवन सही रहेगा, जीवन सही रहेगा मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। अगर जीवन सही नहीं है, मैं अपने जीवन का रिपेयर करने के लिए दुनिया में इधर उधर ढूंढता रहूँगा, भागता रहूँगा, फिरता रहूँगा, कुछ कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना खुशियाँ मिलेगी, ना प्यार मिलेगा, हर जगह पर धोखा ही धोखा मिलेगा। एकमात्र है सही प्यार करने वाला, वह प्रभु मसीह है, जिसने आपके लिए मेरे लिए जान कुर्बान कर दी। उसने स्वयं कहा अपने मित्र के लिए अपनी जान कुर्बान करने से बड़ा प्रेम नहीं है, किसी आपके मित्र ने आपकी जान कुर्बान कर दी आपके लिए, नहीं कि प्रभु यीशु ने की। उस प्रभु के पास जाएं, उसके सानिध्य में समय बिताएं भाइयों बहनों, और हम सबों का जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, वह ईश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करेगा। इसलिए आज के दिन में जब आपने ये वचन सुना, अनसुनी आवाज़, आप अपने दिल को कठोर ना बनाएं, आप अपने दिल को कठोर ना बनाएं, अपने दिल को प्रभु के सामने खोलें हर दिन, ताकि प्रभु आपके दिल में प्रवेश करे। प्रभु का प्रवेश होगा आपके दिल में, जकियुस के समान आप बोल पाएंगे, प्रभु मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिनके साथ मैंने गलत किया है चार गुना लौटा दूंगा। आप प्रभु के लिए दिल खोलोगे, प्रभु आपके जीवन में आएगा, और प्रभु आपके जीवन में आएगा, कितनी खुशियाँ होंगी, कितनी आज़ादी होगी। प्रभु कहेगा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, और यही होना चाहिए भाइयों बहनों। प्रभु हमारे जीवन में रहना चाहिए, हमारे दिल रूपी घर में निवास करना चाहिए, ना कि और कोई चीज, और कोई वस्तु, कोई शक्ति या व्यक्ति, बल्कि प्रभु। यह प्रभु का हक है,
इस हमारे जीवन में, यह प्रभु ने बनाया है शरीर, प्रभु निर्माता है, उसको प्रभु का अधिकार है, प्रभु को जगा दें हमारे अंतकरण को, अपने हमारे दिल में उस प्रभु को जगा दें, प्रभु के वचन को जगा दें, प्रभु के मूल्यों को, सिद्धांतों को जगा दें, पूरी दुनिया बेहतर से बेहतर होगी। अगर मैं सही हूँ, पूरी दुनिया सही है। और इसी प्रकार से हम प्रयास करें, एक एक व्यक्ति को हम प्रेरित करें कि हम एक अच्छा सुंदर नेक जीवन बिताएं, आदर्श जीवन बिताएं। वही प्रभु हम सबों पर बहुतायत की आशीष दें, बहुतायत की बरकत दें। वही प्रभु की आशीष आप सबों पर रहे। फिर मिलेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।